इस महीने आपको पीरियड्स आएंगे या फिर आप प्रेग्नेंट हो चुकी है ये कैसे जान पाएंगे इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करूंगी वो है आपके पेट के निचले हिस्सों में कैसा बदलाव आता है किस तरीके का आप फील करती हैं जिससे आप खुद ही जान लेती हैं कि पीरियड आएगा या फिर नहीं आएगा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें भी इसमें बताई जाएगी विद साइंटिफिक रीज़न के साथ बताई जाएगी और ये हंड्रेड परसेंट महिलाओं में ये चीज़ें अपीयर होती ही हैं तो चलिए चलिएगा मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सहेली क्लब में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा यहाँ अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं बदलाव की तो बदलाव बहुत सारे हमारे शरीर में आने लगते हैं जैसे ही सेल और आपका एग फर्टिलाइज होता है फैलोपियन ट्यूब के रास्ते आते हुए आपके यूट्रस की वाल से चिपकता है उस टाइम ही लक्षण दिखने लगता है उस टाइम से बस ज़रूरत होती है आपको नोटिस करने की आपको ऑब्जर्व करने की अगर आप चीज़ों को इजीली नोटिस करती हैं और आप ऑब्जर्व करने में विश्वास रखती हैं या फिर आपको अच्छा लगता है करना या फिर आप क्विक माइंडेड हैं तो आप ये इन सारी चीज़ों को नोटिस कीजिए अब यहाँ पे मैं नोटिस करने की बात बताऊँ जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आ, बात की जाएगी पेट के निचले हिस्सों में दर्द की तो पेट के निचले हिस्सों में सभी को दर्द होता है जिनको पीरियड्स आते हैं उनको भी होने वाला होता है और जो प्रेग्नेंट होती है उनको भी दर्द होता है लेकिन इस दोनों में एक सीक्रेट तरीका है वो सीक्रेट तरीका क्या है जिसे हम दोनों को अलग अलग समझ सकते हैं और हम पहले ही जान लेंगे महीने के बीचों बीच में हम जान लेंगे कि पीरियड आएगा या कंसीव कर चुके हैं ये रीज़न ये होता है कि अगर आपको पीरियड्स आता है तो नाभि के डायरेक्ट नीचे में आपको दर्द की समस्या होती है अगर वहीं अगर आपने कंसीव किया है तो इस केस में क्या होता है जैसा कि इस तस्वीर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपकी जो यूट्रस है वो ऐसी दिखती है और इसमें दो ओवरीज होते हैं और दोनों ओवरीज ऑल्टरनेट वर्क करते हैं यानी कि एक ओवरी लेफ़्ट ओवरी से इस बार एग रिलीज हुआ है तो ऑबियस सी बात है नेक्स्ट मंथ में राइट ओवरी से एग रिलीज होगा तो एग रिलीज होता है या तो लेफ़्ट या तो राइट से तो नाभि के नीचे में भी एक दर्द की समस्या होती है या तो आपको लेफ्ट में हल्का दर्द होगा या तो राइट में होगा जैसा कि मैंने बताया पीरियड्स तभी आता है जब नाभि के नीचे बीचों बीच में दर्द होता है लेकिन लेफ्ट में या फिर राइट में कहीं भी आपको दर्द की समस्या होती है तो वहाँ पे आंख बंद करके आप भरोसा कर सकती हैं कि इस महीने जो है वो आप कंसीव कर चुकी है क्योंकि वो दर्द जो होता है वो तभी होता है जब आप कंसीव करती हैं क्यों क्यों होता है क्योंकि वहाँ पे जब आपका एग आया होता है सेल जो होता है वहीं पे फर्टिलाइज़ होकर आपके यूट्रस के लेफ्ट हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट ही हिस्से में फर्टिलाइज़ होकर वहाँ पे तीन से चार या पाँच दिनों के लिए वहीं पे टिका हुआ रहता है या फिर दूसरी साइड अगर आपने इस मंथ राइट ओबरी से एग रिलीज किया तो राइट साइड में ही वहाँ फैलोपियन ट्यूब के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे ही रुका रहता है जो आपका जो बेबी बना रहता है वहीं पे रुका रहता है उस लिए आपको बोला जाता है कि या तो लेफ्ट में दर्द की समस्या हो गई या तो राइट में दर्द की समस्या आई थिंक यहाँ मैंने आपके डाउट को क्लियर किया विद साइंटिफिक रीज़न बताया अब यह है कि आप थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए आपको पता चल जाएगा अगर जो भी पता चलता है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकती है कुछ और भी पूछना है मन में थॉट्स मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे आप बता सकती हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग तब तक के लिए बाबा बैंटिक